श्री वरदराज भगवान मंदिर वार्षिक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं पंचदिवसीय वैकुंठ उत्सव का ठाकुर जी के महाभिषेक के साथ हुआ समापन। भगवान श्री वरदराज का 108 रजत कलशों से महाभिषेक एवं आगंतुक अतिथियों का सम्मान किया गया। वृंदावन रंगजी का बड़ा बगीचा स्थित श्री वरदराज भगवान मंदिर के 14 जुलाई से 19 जुलाई तक आयोजित वार्षिक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं पंचदिवसीय वैकुंठ उत्सव का गुरुवार को विधिवत धार्मिक अनुष्ठानों के साथ समापन हो गया। प्रातःकाल बड़ा खटला स्थित मंदिर परिसर में वेदपाठी विप्रों के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारणों के मध्य ठाकुर जी का 108 रजत कलशों से महाभिषेक किया गया। तदोपरांत मंदिर के महंत स्वामी रामेश्वराचार्य महाराज द्वारा ठाकुर जी की आरती उतारी गई, जिनके दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं महोत्सव की श्रृंखला में महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आए संतों को भोज प्रसाद खिलाकर दक्षिणा आदि भेंट की गई। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छता एवं शौचालय को लेकर प्रदेश सरकार खासी सजग नजर आ रही है। इसी के चलते जहां जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसी क्रम में गुरुवार को डिप्टी डायरेक्टर पंचायत आगरा मंडल परवेज आलम खान ने मथुरा में अधीनस्थों की बैठक ली और स्वच्छता कार्यक्रम को लेकर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनपद में एक भी घर बिना शौचालय के नहीं होना चाहिए। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर उन्होंने अधीनस्थों से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजीव भवन में आयोजित की गई इस बैठक में डिप्टी डायरेक्टर पंचायत के अलावा संबंधित जिला प्रशासन भी मौजूद रहा। गुरुवार को कोसीकला के पुलिस चौकी गोपालबाग क्षेत्र में गांव श्रीनगर में नवविवाहिता का शव संदिग्ध अवस्था में उसी के कमरे में लटका हुआ मिला। मिली जानकारी के अनुसार थाना नौजील क्षेत्र के गांव पारसोली की पूजा की शादी करीब 3 माह पूर्व ही शेरनगर निवासी सुंदर के साथ हुई थी, लेकिन जब गुरुवार को पूजा का शव उसी के कमरे में लटका मिला तो इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर आए मृतका के मायके वालों ने ससुराली जनों पर दहेज न देने पर हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक पूजा राम की लड़की जिसकी उम्र 21 साल है, इसकी शादी हुए अभी करीब 3 महीने हुए थे। अभी ससुराल में उसमें जो है फांसी लगा करके आत्महत्या कर दी। इसकी सूचना प्राप्त की थाना पड़ोसी के द्वारा जो है मौके पर पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की गई है। मजिस्ट्रेट के द्वारा पंचायत में प्रभाव की पोस्टमार्टम की कार्रवाई है। क्या लग रहा है, मतलब तो यही लग रहा है कि उसके गले पर निशान है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही बताया जा सकता है कि उसकी मृत्यु कैसे।